महादेव संहार करता है इसलिए नहीं कि वो मृत्यु देते हैं, अपितु इसलिए कि वो हमारी भ्रांति का विनाश करते हैं, हमारे अहंकार का विनाश करते हैं। भ्रांति ही तो है कि व्यक्ति स्वयं को ये शरीर समझने लगता है। महादेव विनाश करते हैं इस भ्रम का, महादेव विनाश करते हैं उस परिधि का जो हमें समझाती है कि हम उनसे भिन्न हैं, पृथक हैं। महादेव ध्वस्त करते हैं उस धारणा को जो अंश को पूर्ण होने से रोकती है। मृत्यु मृत्यु होती है ऋषि विप्लाद, मुक्ति ही स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति की चेतना जागृत हो वो ये समझता है कि मृत्यु मुक्ति का मार्ग है। कुछ समय पहले आप ऊपर आकाश में थे, आप वहां से वो देख सके जो आपको यहां से दिख नहीं रहा था। शरीर का अंत मृत्यु है, परंतु मृत्यु ही आत्मा के लिए मुक्ति है। कौन जाने किसी दिन आप स्वयं भी इस मुक्ति की कामना करें। अब आगे हमें कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी है इसका चयन मैं करता हूं। पाताल लोक में मैंने एक कथा सुनी थी दूषण की मृत्यु की, उसकी मुक्ति की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस कथा का आरंभ महादेव के परम भक्त, परम सेवक और वाहन नंदी से होता है। प्रभु, आपसे वियोग मुझे सहन नहीं होता। यदि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त न हो तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है प्रभु। तो महाराज हिमावन के भवन पहुंचो नंदन, उज्जैनी होते हुए पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ तुम्हें वही मिलेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। महादेव के आदेश अनुसार नंदी महाराज हिमावन के भवन की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में उज्जैन नगरी भी पड़ती थी। नंदी ने देखा कि वहां लोग भयभीत होकर भाग रहे थे। और तुम्हारे महादेव वो इन सब की रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे थे? नंदी ने महादेव के भक्त वेद पाठी की रक्षा के लिए महादेव का आह्वान किया। ये महादेव की तपस्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें इन चारों को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो सुन ले, मैं महादेव के भक्तों का ही कालू, नाम है मेरा दूषण। यदि तुम महादेव के भक्तों का काल हो तो महादेव तुम जैसे दुष्ट दैत्यों के महाकाल है। महादेव आए, युद्ध हुआ। जब महादेव प्रकट हो जाए तो युद्ध कहाँ रहता है, अर्थात शीघ्र ही सब समाप्त हो गया, जैसे तुहुन के साथ हुआ। मैं आज से यहां इस ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। उज्जैनी का ये स्थल
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव। एक भक्त की रक्षा के लिए महादेव अवश्य आते हैं। आपने भी ये समझ लिया होगा, आपने महाकालेश्वर के प्रकाश पुंज को ऊपर से देखा होगा। जानते हैं ये प्रकाश पुंज इतना दीप्तिमान क्यों है? क्योंकि ये महादेव की ऊर्जा है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। यदि आप भी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको भी भय से मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति अपने को समर्पित करते, छोड़ते अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही पूर्ण होती है और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट हो। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता, वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता। प्रतिपत्ति शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है कुछ, और वो भी ऐसे अपराध की, किंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता। उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी दया का प्रमाण देकर अपनी सच्ची भक्ति को सिद्ध किया, और मैं अपने सच्चे भक्तों की पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकता। धन्यवाद। तुम्हारे मन में संसार के कल्याण की प्रतिभावना वास करती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं सदैव यही रहूंगा। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। इसलिए ये धाम कुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा।